सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। सब बच्चे हाथ उठाओ। कितने बच्चे यहाँ पे? वाह, सुपर्ब यार। तो आप लोगों को एडवांस में चिल्ड्रंस डे की मुबारकबाद, बाल दिवस की शुभकामनाएं सभी को। और ये हमारी फिल्म जो है दंगल, इसका ये पहला गाना हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, और ये खास बच्चों के लिए। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारे पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट पापा है? बिंदा साथ उठाओ, पापा इधर नहीं है। मदर इज मोस्ट स्ट्रिक्ट, हाँ, मदर इज स्ट्रिक्ट और पापा इज स्ट्रिक्ट, मदर। तो ये गाना खास सारे बच्चों के लिए। जब छोटा था, मुझे लगता था मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत हिटलर टाइप के, एकदम स्ट्रिक्ट। तो ये गाना सारे बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरे पापा जो हैं वो मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं। लेट्स प्ले द सॉन्ग। ये सुहानी है, गाइस से हाय टू सुहानी। और ये जायरा, कम जायरा। एंड द पर्सन जिन्होंने कहानी लिखी है, फिल्म डायरेक्ट की है, नितेश जी आइए। सो गाइज, नितेश जी और मुझसे तो आप लोग पहले भी मिले हैं, लेकिन ये दो लड़कियां जो हैं ये बहुत ही कमाल की हैं, और इनसे आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, और फिल्म देखेंगे तो आप इनका काम देखेंगे। बट दे डन अ रियली वंडरफुल जॉब। एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल एक्चुअली कि आप लोगों को गाना कैसे लगा। हाँ, सिंगर्स का नाम सर क्या है? मांगा बॉयज। मांगा बॉयज राजस्थान से हैं, दो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने गाए। सॉरी थैंक यू। किड्स, you want to ask any questions? What is your question? Hi, my name is Mitra Gumawat. Hi, Mitra. I every year change my plan. When I was small, I wanted to be an actor. When I was 5 years old, I wanted to be an astronaut. Now I want to be a cricketer. Means what do you wanted to become when you were a small child? Oh. When I was a small child, I wanted to become big. That's all I wanted to become. I used to feel that I want to grow up fast. But after growing up, I realized that no, I was better off as a child. But now I can do nothing to change it. So enjoy your life. Thanks. And no matter what you choose to become, I wish you all the very best for your life. Hello, Amit. This is Arunima from ETV. Hi. I would like to ask you two questions. There is a thing in the trailer. There is a line, "Beta jete, beti jete, gold to goldi hota hai." You believe in this. That's why you are in the film. Do you think the society nowadays too believes it? That beta jete, beti jete, ek hi baat hai. And another thing I would like to ask you, you are a very cricket fan, you are a cricket buff. I know that you like sports so much. These minor sports are getting importance in Bollywood and henceforth becoming popular. How you see it? Well, मैंने तो हमेशा ये माना है कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं होता है, हमेशा से मैंने ये माना है। और जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है हमारे घर में, जो मेरी दो बहनें हैं और मेरा एक भाई, हम चारों हमें एक जैसा ही व्यवहार मिला। और आई थिंक कि धीरे धीरे और समाज में भी लोगों को ये बात महसूस हो रही है, रियलाइज़ हो रही है। हम इस साल देखें ओलंपिक्स में, तो जो हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते वो दोनों महिलाएं ही थीं। तो धीरे धीरे समाज में ये बात समझ में आ रही है लोगों को कि कोई अंतर नहीं होता, और ये अच्छी बात है। जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, फिल्मों में वो तो कहानी पर डिपेंड होता है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अभी कुश्ती सीखने के बाद मैं कुश्ती का फैन हो गया हूँ। हाय आमिर, दिस इज उर्वी हियर फ्रॉम पिंकुला।
Hi. Amir, in real life, are you a hanikarak bapu to your kids? I would like to believe I'm not. I would like to believe that I'm a very loving and indulgent father. But वो ये सवाल आपको मेरे बच्चों को पूछना पड़ेगा. मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छा बाप हूँ. हो सकता है बच्चों को कुछ और लगे. Thank you. आप लोगों को क्या लगता है? Amir, from the days of the chocolate boy, Papa कहते हैं बड़ा नाम करेगा, to becoming a हानिकारक बाप yourself, do you feel like, you know, you've come a full circle, or like, did that ever occur to you? Because watching the song, it must have occurred to a lot of us. No, it's not occurred to me. Actually, I don't look at things in such a wide sweep. I live in the present. Right. And what I'm doing now is central to me. So I don't really connect it to other stuff. So I don't look at it that way. Right. And Amir, whenever people speak of Dangal, it's being spoken of as the biggest film yet, as the film that's going to shatter all the records. Is that something that you've heard, and people who've watched it already have also said the best film in 20 years is something we're all hearing? I don't think either Nitish or I wanted to break any records, and that's not why we were making this film. Ye kahani hai jo humko bahut pasand aayi hai, aur hame badi khushi hogi ke जब लोग देखें इस फिल्म को, उनके दिल को ये फिल्म छू ले. हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. और आई थिंक दैट रिकॉर्ड्स विकॉर्ड्स का तो मुझे पता नहीं. आई जस्ट फील के आई एम हैप्पी कि जो हम फिल्म बनाने चले थे सर, वो हम बना पाएँ. मतलब व्हेन आई सी द फिल्म टुडे, जो नितीश जी ने मुझे नरेट किया था, और आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही खूबी से जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने पर्दे पर उतारी है, और ये फिल्म लोगों को पसंद आया, उनके दिल को छू ले, यही हम इसी से हम खुश होंगे. हेलो सर. हेलो सर. हाँ जी. हाँ जी. हेलो सर. इधर इधर इधर. कहाँ यार? सर इधर. ओह अच्छा अच्छा. हाँ आप उसके पीछे छुपे हो. सर किशन, सर आपको हाल ही में कुछ दिक्कतें आई क्या? 500,000 के नोट बंद हुए तो. मेरे पास पैसे रहते नहीं है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. फॉर्चुनेटली मैं अपने सारे टैक्सेस देता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. आमिर सर, मेरा क्वेश्चन है ना सुहाना मैम के लिए. सुहानी मैम. हेलो. सुहानी मैम, माय नेम इज आल्सो सुहाना, एंड माय पापा कॉल मी सुहानी आल्सो, तो आई लाइक सुहानी ओनली. सो माय क्वेश्चन इज, ये आपने इतना सब कुछ कैसे किया, ये रनिंग एंड ऑल यू डू? हाउ एक्चुअली वी वर इन बॉम्बे 6 मंथ्स ट्रेनिंग, एंड ऑल द क्रेडिट गोस टू our trainers who have, you know, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें train किया है. So as I was saying that they have trained us very well, and we have very really worked hard. So I just wanted to thank sir and Amir sir for just giving us this opportunity so that we can prove ourselves to everyone. Thank you. बेटा मेरा आप दोनों से सवाल है, दोनों बच्चों से. मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में कॉर्नर. ऑन सेट कैसे थे आमिर खान साहब आप दोनों के साथ? उन्होंने कान बंद कर लिया, आप बता सकते हैं दोनों. स्ट्रिक्ट थे? नहीं. क्या खूबी आपने पाई इनके अंदर? क्या लाइक एज वो अपने रोल में थे हानिकारक बापू, बट बिहाइंड द सीन्स ही वाज जस्ट अपोजिट टू दैट. सो ही वाज वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिंग, एंड किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा दैट ही इज यू नो लाइक वेरी रूड और एक्टिंग एज एन एक्टर. सो ही वाज वेरी नाइस टू एवरीवन ऑन द क्रू, एवरीवन, नॉट इन अ सिंपल single person would feel, you know, like isolated or anything, but he was very nice to everyone, and he's very encouraging, I would and say. And even if he's hanikarak, there's a reason to it. reason kya tha wo? Nahi, matlab main off screen bhi achhi acting karta hu. Yeah. Amir, aapse ek aur sawal hai ki, acha haan, boliye please. That only, agar wo hanikarak hai, there's a reason to it. He has a point, aur wo hamari betterment ke liye hi hanikarak. Audio. Amir wants his kids to rise, no? So for that. किसी का स्पीकर की तरफ माइक है, इसलिए आवाज आ रही है. आमिर, आपसे मेरा सवाल है कि
फिल्म के गाने में कई सारी लाइंस हैं, जैसे तुझसे तो बेहतर हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, बापू तू हानिकारक है, आपका पर्टिकुलर कोई फेवरेट लाइन है जो सुना हो आपने? इसमें आई थिंक मेरा फेवरेट लाइन वही है, वो दो लाइन है मेरी फेवरेट, एक तो तुझसे बेहतर तो हिंदी फिल्मों के खलनायक हैं, और दूसरा के क्या, फिर भी खुश ना हुआ मैगम्बो हम तेरे बलिहारी। हाँ नहीं, लेकिन ये इसमें बहुत अलग है, हमें रही प्यार के में जो किरदार था वो थोड़ा भोला टाइप का था, उसको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को मैं, हेलो हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बच्चों की कैसे देखभाल करूं, उनकी परवरिश कैसे करूं, यहाँ महावीर जो है वो बहुत ही क्लियर है उसको क्या करना है। तो हाँ, हमें रही प्यार से काफ़ी अलग है। हाँ मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई, आई होप देखी होगी उसने ट्रेलर। हाय आमिर, दिस इज हीना कुमावत। हाय हाय, जैसे कि इसमें गाने में लाइन है कि बापू से अच्छे तो हिंदी फिल्मों के खलनायक है, जब आप बच्चे थे तो आपको अपने पापा या मम्मी के लिए कभी ऐसा फील हुआ? हाँ, मेरे पापा के साथ मुझे हमेशा ऐसा फील होता था। ऐसा अब्बाजान, हाँ अब्बाजान वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू दस, वेरी स्ट्रिक्ट, आई मीन ही वॉज वेरी लविंग ऑल्सो, बट उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, तो हम बच्चे हमेशा बहुत डरते थे उनसे। तो एक्चुअली ये गाना हमारे हम चारों बच्चों पर परफेक्ट सूट होता है, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती थी घर की नितेश जी, तो हम लोग ऐसे चूहों की तरह भागते ना बिल में, तो पापा अब्बाजान आ गए हम लोग छुप जाते थे कमरे में, तो वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम एंड बट ही वाज वेरी लविंग आल्सो, बट वी यूज टू फील कि ये खलनायक टाइप के हैं। हाय नितेश, हाँ जी, ओके यस प्लीज, हाँ सुनाई दे रहा है, पूछिए। I don't, I think, I as I say, you know, I don't choose my subjects, you know, mostly my subjects choose me. तो honestly, मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि इतना strongly बच्चे क्यों feature करते हैं, maybe I think it's destiny or I don't know, you know. जी देखिए, मैंने फिल्म बनाई थी तारे ज़मीन पर, और तारे ज़मीन पर जब हमने फिल्म बनाई तो हमने बहुत कुछ रिसर्च किया और काफ़ी एक्सपर्ट से बातचीत की, तो उससे जो मुझे समझ में आई ये बात, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बच्चों जो है ना, उनको सबसे जो ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है प्यार, एक सपोर्टिव पेरेंट जो उन पर भरोसा करे, जो उनको सिक्योरिटी दे, तो ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। मैं एज अ फादर मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। आमिर, आपने ईद के बारे में तो कई दफ़े जिक्र किया है, लेकिन चिल्ड्रंस डे आपका कैसा रहता था बचपन में? चिल्ड्रंस डे तो मुझे याद ही नहीं रहता था, हम लोग नहीं मनाते थे स्कूल में, कभी ऐसा स्कूल में छुट्टी उट्टी मिल जाती थी, खुश हो जाते थे। हाँ जी 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 जी, नहीं सुनते। देखिए वो तो अलग अलग इंसान के नेचर पे होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ही माँ बाप की बात सुनते हैं, कुछ थोड़े रिबेलियस होते हैं, मैं काफ़ी रिबेलियस था, तो हर किस्म के बच्चे होते हैं। मेरा ये मानना है एज अ पेरेंट कि मैं अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करता। Well, it's a time of change. I think a lot of things are changing, and that is how life is. I think that is how humanity is.
we constantly struggle to try and get better. Yeah. Sure. So where do you think, like, you know, a girl's friend and a boy's friend vis-a-vis? I, you know, I don't look at girls and boys differently like this. I think, you know, we're all human beings. And each one of us individually has our own strengths and weaknesses. I don't look at this differentiation between boys and girls. Amir, hi, Amir. She spoke about the glass ceiling just taking off from there. We've not spoken to you since Trump won. How did you feel about the American elections results? Long, complicated questions. हम लोग आज चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं. Let's stay in this area. हाँ, this boy wants to ask something. से कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसी underline कर सकें आप कोई बात? इनसे तो बदमाशी मुझे सीखने को मिली, बहुत बदमाश हैं ये दोनों. और वैसे बच्चों से तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, हर रोज हम सीखते हैं बच्चों से. उनकी जो curiosity है, जो उनका innocence है, जो उनका जहन है, किस तरह वो सोचते हैं. सो या यू लर्न एवरी डे फ्रॉम योर चिल्ड्रन. अच्छा, एक सवाल छोटा सा और. अभी हालांकि आपने छोटा सा जवाब दिया है कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं हो रही इन दिनों, लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन है उसको लेकर कोई आपकी सीरियस राय होगी कि चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन है ये? नहीं, चिल्ड्रंस डे का क्वेश्चन पे रखते हैं हम लोग आज. हाँ, इन द ट्रेलर, इन द ट्रेलर. हाँ 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 एक्चुअली मैं आपको या जब हमने ये जब कहानी हम लोग ने सुनी और हमने डिसाइड किया कि हम ये फिल्म बनाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये थी कि जो बच्चियां हैं फिल्म के अंदर, हमको वो बहुत ही कमाल की लड़कियां चुननी हैं जो मेरी डॉटर्स प्ले करेंगी, क्योंकि कहानी इतनी उन पर डिपेंडेंट है, वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस फिल्म में. तो अगर हमको लड़कियां बच्चियां सही नहीं मिलती तो हम ये फिल्म नहीं बना पाते. तो करीबन हमको 8 महीने लगे सर कास्टिंग में. हाँ, करीबन 8 महीने लगे हम लोगों को कास्टिंग में. और देश भर में हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी टीम्स दौड़ाई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, हर जगह हमारी टीम्स गई कास्टिंग के लिए. और बहुत ही मतलब मेहनत के बाद हमें ये 4 हीरे मिले हम लोगों को. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज होगा. हाँ, हमारे ऑडिशंस 3 महीने चले, फिर उसके बाद लड़कियाँ चुनी गई, फिर उनको रेसलिंग की ट्रेनिंग दी गई 2 हफ्ते, ये देखने के लिए कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी. रेसलिंग इजी नहीं होती, तो एक्टिंग तो अच्छी कर लेती हैं, रेसलिंग कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी. तो ये बहुत ही रिगरस प्रोसेस था हमारा कास्टिंग का. और उसकी वजह ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि इनका सही होना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था. सो वी वर वेरी लकी टू फाइंड दीज 4 गर्ल्स, ज़ायरा, सुहानी एंड फातिमा एंड सानिया. All 4 of them, they have done outstanding work. मतलब अगर मैं अपने काम को रेट करूं तो इन्होंने मुझसे 10 गुना बेहतर काम किया है. और मैं 25 सालों से काम कर रहा हूं, ये उनकी पहली फिल्म है. Okay, ज़ायरा, कितना प्राउड मोमेंट है, मोमेंट था, the moment you came to know. अच्छा, उनको लौटने दो. I'll tell you what my mother said to me. So I got back from school and this is before I had gone for the audition. I just got a call from the casting people. And they called कि ऐसे एक मूवी है, उसके ऑडिशन है. एंड आई डेंट नो एनी ऑफ दिस. एंड आई केम बैक होम फ्रॉम स्कूल एंड एज आई एंटर द रूम आई सी माई मदर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी जस्ट लुकिंग एट मी. शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, शी जस्ट लुकिंग एट मी लाइक दिस. ओके, सो द वन हु कास्टेड अस, ही इज मुकेश छाबड़ा. सो शी टोल्ड मी दैट समवन फ्रॉम हिज ऑफिस कॉल्ड एंड आई वॉज लाइक ओके. Then she was like, audition ke liye bhula hai. Like, okay. Then she said, Aamir Khan ke saath movie hai.
And again, she gave me this look. Do you deserve this? And I was taken aback for a while. And it took me some time to come to the fact, okay, fine, I have been called. So I went there. And as I entered the room, I see people. I saw some 20 or some other, I don't know, a lot of girls were sitting there. And I was like, nahi ho payega, koi chance nahi hai. But somehow, maine audition diya, wo bahut lamba chala. और फिर आई गॉट बैक होम उसके कुछ एक दो महीने तक कोई कॉल नहीं आया एंड आई हैव गिवन अप कि कुछ नहीं होने वाला है बट व्हेन दे एक्चुअली कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट ओके फाइन यू आर द वन वी हैव कास्टेड आई आस्क्ड देम 5 times आर यू श्योर हैव आई बीन शॉर्टलिस्टेड और हैव आई बीन एक्चुअली कास्टेड फॉर दिस सो दैट्स हाउ द जर्नी बिगन सुहानी सो एक्चुअली First, I gave an audition in Delhi because I am from Delhi. So I gave an audition there. So after that, when I came out, my mother said, "Kaisa hua, kaisa hua?" मैंने बोला, मम्मा, मैंने अपना best दी दिया, बस बाकी तो सब भगवान के ऊपर है. And then, my mother was, regularly asking father कि call आया, call आया, call आया. Then one day, seriously, production guy called and he said, your daughter has been shortlisted and you have to go to Bombay. And I was really surprised and I was so happy. I thanked to God and I was really happy. And then we had some scenes with Amir sir at Mukesh Chhabra's office. So there also I was really excited and I was really, I had never worked with someone so perfectionist and so much, so much of skill. Beda kar kar diya isne. Nahi, but it was very difficult. So now actually then they finally told that you have been casted to this. And it's an honor and it's a pleasure working with such a great actor. Thank you. देखा तो आंटी आई है ये आपको भी दिखाएंगे उठा के आमिर आमिर आपके बचपन का नाम क्या था निकनेम क्या था मेरा अम्मू हाँ लेकिन अम्मू मुझे बहुत कम लोग बोलते थे मेरी ग्रैंडमदर मुझे अम्मू बोलती थी और ज्यादातर जैसे अम्मी जो है वो मुझे आमिर ही बोलती थी बहुत सॉरी मतलब मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ मुझे लगता है ये मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई है ये दोनों कभी नहीं कहा मैंने समझ गया आप जवाब मिल गया आपको जवाब मिल गया आपको एक्चुअली कुश्ती जो है वो बहुत ही एक पुराना खेल है बहुत ही हिंदुस्तान में ये सदियों से चला आ रहा है और इसलिए इतना लोकप्रिय है लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं इस खेल के साथ तो हमें खुशी है कि हमें इस पे एक फिल्म करने का मौका मिला है और वो जो एक बिरादरी है पहलवानों की उसमें भी हम एक छोटे तरीके से हमारी भी एंट्री हुई है उसमें ओके आमिर Yeah, Vasni from IVN 7. So that my question is कि जैसे movie में ये दिखाया है कि आपने अपना सपना अपने बच्चों के through पूरा किया वो आपका movie में पूरा वो था but in real life अगर मैं आपसे पूछूँ जो parents चाहते हैं कि उनका सपना वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं और वो बच्चे नहीं पूरा कर पाते वो ज़बरदस्ती थोपते तो आपका इस पर क्या टेक है नहीं मैं ऐसे believe नहीं करता हूँ
मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनके सपने अपने अपने होने चाहिए, और हर बच्चा जो है उसका सपना जो है वो ख़ास होता है, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कहानी मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन वो अपना टटोलते हैं और हम उनको सपोर्ट करें, धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं, हम उनको हेल्प करें रास्ता ढूंढने में, ना कि उनके लिए हम रास्ता चुने। आमिर, आपने अपना, ये मेरा पर्सनल मानना है। हाँ। बच्चों पे हाँ कम फिल्में तो बनती हैं, इतनी नहीं बनती ज़्यादातर, क्या लगता है सर? एक्चुअली दे आर वेरी लिटिल फिल्म्स, वेरी लेस नंबर ऑफ फिल्म्स व्हिच गेट मेड ऑन किड्स एंड इवन फॉर किड्स। फॉर किड्स, यस फॉर श्योर, आई मीन यू कैन रियली काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। मुझे लगता है हाँ, ये मतलब मुझे खुशी होती है अगर हम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा फिल्में बनाएं बच्चों के लिए और बच्चों के ऊपर। अभी जो बच्चे जो हमारी फिल्में देखते हैं वो एक्चुअली उनके लिए नहीं होती, वो बहुत सारी फिल्में होती हैं जो उनके लिए सही नहीं होती हैं, लेकिन अब देख लेते हैं और कोई फिल्म बच्चों के लिए खास बनती नहीं हमारे यहाँ इतनी, तो मुझे खुशी होगी अगर ये हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं जो जिसको हम फैमिली फिल्म बोलते हैं, जैसे अभी दंगल है, इट्स अ फैमिली फिल्म, यू नो योर चिल्ड्रेन कैन कम एट एनी एज एंड वॉच द फिल्म, तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। पता नहीं, क्योंकि हमने तो हिंदुस्तान के लिए फिल्म बनाई है, इतना मैंने सोचा नहीं विदेश के बारे में। आमिर, जस्ट रीसेंट, आई डोंट थिंक कि सिर्फ एनी स्टोरी व्हिच हैज अ यूनिवर्सल अपील, आई थिंक शुड अपील टू पीपल ग्लोबली। हां, आई थिंक सो, इट्स नॉट रियली दैट। फिल्म जब अच्छी होती है तो फिर वो उसका yeah. कोई लैंग्वेज उसकी नहीं होती। हां, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं बनी ना लगान, अच्छी फिल्म थी, 15 साल पहले थी, बुरी फिल्म नहीं थी लगान। आमिर, जस्ट रिसेंटली ड्यूरिंग द काबिल दिस थिंग ट्रेलर लॉन्च, राकेश रोशन वाज ऑल प्रेजेस फॉर यू एंड ही वाज सेइंग कि आजकल ट्रेलर ऐसे बनते हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर देख के स्टोरी समझ में आ जाता है, तो इस बारे में आपको? वेल, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ राकेश जी फ्रॉम हिज फर्स्ट फिल्म, एंड इनफैक्ट उनकी पहली फिल्म मेरे फादर के लिए थी जो उन्होंने की थी, मदहोश उसका उसका नाम था। तो मैं उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको ये ट्रेलर इतना पसंद आया, एंड ही इज़ अ वेरी लवली एंड वार्म पर्सन, एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो सॉ द ट्रेलर ऑफ काबिल एंड आई लाइक इट वेरी मच, आई कॉल्ड अप रितिक ऑल्सो एंड टोल्ड हिम आई रियली लाइक द ट्रेलर ऑफ दैट। मगर क्या आप ये मानते हैं कि ट्रेलर इसी तरह होना चाहिए जिससे मतलब एक माइंड सेट हो जाना चाहिए, ऑडियंस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम इन, यू नो, विद दैट? या आई थिंक ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए, वो एक पहली झलक होती है ऑडियंस को कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं है, उनका जो मन है वो बनता है फिल्म देखने का नहीं देखने का, तो ट्रेलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है हमारी मार्केटिंग में, फर्स्ट स्टेप होता है and is the most important step. Okay, मेरा सवाल नितेश जी और आमिर साहब दोनों से है। हाल में ही मतलब आप कितना भी नज़रअंदाज करना चाहें लेकिन नहीं कर सकते, फिल्मों के लिहाज से भी, फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से, फिल्म मेकिंग के लिहाज से, रिलीज़ के लिहाज से, हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई रॉक ऑन, और जिस तरह से पैसों को लेके, हज़ार और 500 के नोट को लेके जो चल रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट हुआ। आपकी फिल्म 23 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, यकीनन तब तक सब कुछ शायद लाइन पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। डू यू थिंक इट्स अ गुड साइन? December, do you think it's a good sign? Tension especially for the production. लगा यार release हो रही है, अभी तो mixing बाकी है, editing बाकी है। क्या कहना चाहेंगे? What's your take on that, sir? देखिए ये तो अभी this is a one-off incident, इसका हम क्या कह सकते हैं? It's a one-off incident. But you know it'll help. No, there are 6 songs. हाँ, जो 6 गाने हैं फिल्म के, वो तो आपको पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे। दैट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन विल डिसाइड, मैं इस सब में जाता नहीं हूँ, वॉट एवर दे डिसाइड।
Amir, hi. Let him complete. Sir, do you think it's a good sign? You know, yakinan sab kuch solve ho chuka hoga jab tak film release pe aayegi. Even I want you to respond on this. I'll pass the question on to Nitesh ji. But before that, I'll say only this much that I think ye jo issues hai na, ki desh ke liye kya sahi hai, wo zyada important hota hai. उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए. जो चीज़ हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए. फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो वो छोटी बात है. आमिर नितेश जी, योर रिस्पॉन्ड ऑन दिस. सी लाइक व्हाट सर सेड, यू नो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर गोइंग टू मेक देयर ओन प्रायोरिटीज, यू नो, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, दे आर मेकिंग देयर ओन प्रायोरिटीज. सो इफ It is bound to affect certain things. It is bound to benefit certain things, you know. And we should look at a larger picture, is what I would say. Amir, hi, Karmic here from. That would be the last question. Yeah, that would be the last Amir, question. Thank right, you. On your right, hi. Where's Karthik? Karmic here. So we'll take one last question because I have a flight to catch. Yeah. Okay, no problem. And I want to take photos with the kids. Okay. Before perfect. I go. Huh. Okay, great. Amir, you know, when everyone saw the trailer, when everyone saw the trailer, ये दो बच्चियाँ जो हैं वो दो लड़कों को बहुत मारती हैं उसमें, ठीक है, और मार मार के इतना मार देती हैं कि आप उनको रेसलर बना देते हैं. देर आर माई नेव्यूज हु आर, वन इज 7 एंड वन इज 5. उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं भी सबको मारूंगा. तो मुझे आप ये बताइए कि आई अंडरस्टैंड योर मैसेज, बट यू नो चिल्ड्रन दे आर वेरी सब्लाइम. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से टू द एंटायर kids who are your fan, that entire generation who might be taking this in the wrong way? No, they won't. When they see the film, they won't, because trailer is only giving you a very bit piece of the communication. So when you see the entire film, I don't think that will be the take home. The take home will be that, which is a central thought of the film, which is that a girl is no lesser than a boy. So we should not distinguish and create differences between girls and boys. That's the central message, really. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Acha abhi photo kaise lenge? Ek de baith jao, baith jao, baith jao. Tamam. 2 minute. Matlab 2 minute de. Single.